यहाँ पर मोहल्ले के लिहाज से यानी कि हमारा किली बंगुलजी है, सफजल रोड है, यहाँ पर गैस बिल्कुल न होने की सूरत है और यहाँ पर ऐसा कोई निज़ाम नहीं, कोई ऐसा जिम्मेदार नहीं कि यहाँ पर सामने आया। जो पार्टी के लेवल पर थे वो आकर हमें यहाँ पर दिलासा देकर वोट्स लेकर यहाँ से चले गए और यहाँ पर ऐसी कोई सूरत नहीं है कि यहाँ पर फिर आले पुरसा हो, यहाँ पर हाल लेने वाले हो। तो आप यहाँ पर सारे लोग मोहल्ले के लिहाज से, किली के लिहाज से सफजल रोड के सारे निकले हुए हैं यहाँ पर, वो ये हड़ताल कर रहे हैं इस मकसद पर कि हमारा गैस बहाल किया जाए। और यहाँ पर ऐसा कोई सिलसिला नहीं है जो ये लोगों की तरफ से कि गैस का बिल्कुल नामो निशान नहीं है, घरों के अंदर मरीज़ है, बूढ़े हैं, बच्चे हैं, परेशान हाल है। तो यहाँ पर गुजारिश यही है कि यहाँ पर गैस के लिहाज से कोई ऐसी रेफरेंस हो यानी कोई। सर हम कहना चाहते हैं तकरीबन सर्दी जो शुरू होता है बिल्कुल गैस है ही नहीं, हम लोगों का जो है बच्चे बीमार पड़े हुए हैं, घर में जो है सालन पकाने का नहीं है, रोटी पकाने का नहीं है, ऐसे गरीब लोग है दिन का जो है 600 रुपया भी नहीं कमाते हैं, तंदूरों से ले लेकर जो है अपना गुजारा कर रहे हैं। सर जो सर्दी आता है बिल्कुल गैस है ही नहीं, हम लोग मजबूर होकर जो हम लोगों का गैस का जो है मसला हल करें, गैस बहाल करें। सर हम लोग मजबूर होकर, किली बंगुलजई का गैस है ही नहीं, बच्चे हम लोगों का बीमार है, पड़े हुए हैं अस्पताल में, सर तीन तीन कंबल, चार चार कंबल वो लोग जो अपने ऊपर डाल कर गुजारा कर रहे हैं। सर इलाके का MPA अहमद नवाज़ को 10 दफ़ा फ़ोन पर रब्ता हुआ है कि भाई हमारे लिए कुछ करें, आपको वोट लेकर हम लोग इसी वजह से दिया ताकि अवामी मसाइल हल हो, जू की तू कोई उसके कान पर जू तक नहीं रेंगता कि भाई हमारे मसाइल हल करें। इसके अलावा हुकूमत से और गैस इंतजामिया से गुजारिश है कि इन इलाकों में गैस प्रेशर पर खास तवज्जो दे, और गरीब और आवाम है और बीमारियां हैं, लोग बीमार हैं इस सर्दी के मौसम में, माइनस क्वेटा का आजकल 6 और 4 चल रहा है, तो इस वजह से इंतजामिया से गुजारिश है कि गैस पर फौरी तवज्जो दिया जाए। हम लोग का हज़ारों में बिल आते हैं, 25,000-30,000 हम लोग का महाना बिल आ जाते हैं, उसके बावजूद हम लोग को गैस नहीं दे रहे। दूसरा बात है कि ऊपर जो बाईपास जा रहा है 1000 टन है उसको गैस खास तौर से ही मिल रही है, उस तरफ हम लोग का पीछे जो बरूरी रोड वादत कॉलोनी उसको गैस सही मिल रहा है, उसके उस पास हम लोग का जो है अरबाब करम खान रोड है उसको गैस सही मिल रहा है, जो हम लोग जो दरमियान में है ये हम लोग का दरमियान को जो इस लोगों ने गैस मुतसर किया है। सर हम लोगों ने काफ़ी अपना कोशिश किया, हद तक कोशिश किया, अखबार में दिया, सर अहमद नवाज़ जो हम लोग का आजकल का जो वज़ीर है उसको मैंने 2-3 दफ़ा उसको बताया कि भाई हम लोग का गैस प्रेशर कम करो, ठीक है 1 घंटा बंद करो, 2 घंटा बंद करो, सारा दिन सारा रात हम लोग का गैस ही नहीं है, बच्चे बीमार हो रहे, डॉक्टरों का खर्चा नहीं, हम लोग गरीब तबके सर हम लोग के एक तो ऐसा है डॉक्टरों का पैसे हम लोग पूरा नहीं कर सकते, एक डॉक्टर पे एक दफ़ा जाओ सिर्फ ज़ुकाम के लिए जाओ 1000 का दवाई लिख के देते हैं, सरकारी मुलाजिम है सर 22,000-30,000 तनख्वाह, हम लोग कहाँ से पूरा करें, गैस का बिल पूरा नहीं कर सकते, दवाइयों का पूरा कर नहीं कर सकते, कहाँ से कर, हम लोग मजबूर हो के ये आज हम लोगों ने फैसला किया अपना रोड बंद किया, बाकी कोई हम लोग के लिए हल नहीं है, हम लोग का पुरअमन है, हम लोग किसी के साथ न जंजाल किया न किसी के साथ फसाद किया, पुरअमन हम लोग खड़े, हम लोग का मसला हल करें, हम लोग 1 घंटे में रोड खोल देंगे।